गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने पुलिस कर्मियों पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अमरपाल शर्मा के मुताबिक बीजेपी को वोट डलवाने में मतदान स्थल पर मदद कर रहे हैं पुलिस कर्मी। खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी पर भी अमरपाल शर्मा ने आरोप लगाए हैं। अमरपाल शर्मा के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं को धमकाने और दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है रीना भाटी। पूरा मामला खोड़ा नगर पालिका स्थित आर के स्कूल मतदान स्थल का बताया जा रहा है। खोड़ा कॉलोनी के अंदर आर के मेमोरियल स्कूल पर, जो चेयरमैन के घर के बराबर में स्कूल है, मेरे लोगों ने वहाँ बस्ता लगा रखा था। आज चेयरमैन रीना भाटी, उसके देवर योगेश भाटी, महेश भाटी और उनके सब तमाम समर्थकों ने जाके, और मजे की बात यह है कि पुलिस साथ में है, जाके मेरे बस्तों को फेंका, मेरे लड़कों की पिटाई करी और कहा कि अगर तुमने यह बस्ता लगाया तो हम तुम्हें खोड़ा में रहने नहीं देंगे। जो मतदान के दिन ये व्यवहार कर सकते हैं, आप समझिए उनका सही चरित्र क्या होगा। मतदान शांति प्रिय मतदान होता है, ये जनता का अपना पोल होता है। आज मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन एक तरफा खोड़ा के अंदर कार्रवाई कर रहा है, हमारे लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, हमारे बस्ते फेंके जा रहे हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने पुलिस कर्मियों पर कई बड़े आरोप लगाए हैं।